किसी ने ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकाला है। क्या? हाँ? प्लग निकाल दिया? अरे ऐसे कैसे कोई किसी का प्लग निकाल सकता है? हाँ? अरे आप रुकिए, हम बात करते हैं। क्यों? हम बात कर रहे हैं ना? मेरी बच्ची यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मैं अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। क्या है ये? कभी मशीन बंद हो जाती, कभी प्लग। देखिए, अपने आप ये प्लग नहीं निकल सकता। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हुए इनकी नजर पड़ गई और इन्होंने मास्क और प्लग दोनों लगा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। पेशेंट की जान भी जा सकती थी। पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी बहन यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम इसे वापस अपने साथ गाजियाबाद लेके चलते हैं। चलिए आप। चलो। कहाँ है वो लड़का, वो बॉट बॉय, वो किधर है? श्याम। हाँ श्याम, श्याम किधर किधर गया? वो अभी तो यही था, शायद खाना खाने गया होगा। खाना खाने गया होगा मतलब का? कैसे भेज दिया उसको खाना खाने आपने? अब एक मिनट बोलू। मैम, मुझे तो श्याम जी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया। मैडम, हम सुबह वो 5:30 बजे बहादुर शाह मार्ग पे सैर कर रहे थे, तो अचानक हमने इस लड़की को लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ा देखा। एक तो मेरे गाड़ी के सामने आ गए और मुझसे पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, घूर क्या रहे हो? लगाओगे ना एक थप्पड़? चीता चतुर्वेदी, थाने का सीसीटीवी फुटेज निकालो जल्दी। जी मैडम। मैडम सर, किसी ने सीसीटीवी का कनेक्शन काट दिया है। श्याम, ये बाल काटने वाला सन की आदमी और कोई नहीं, श्याम ही है। डॉक्टर साहब, ये कोमा से बाहर आ गई। देखा रवि, हम कह रहे थे ना कि हमारी पुलपुल इन सबके बीच में ही ठीक हो जाएगी। कह रहे थे ना हम। हो गए। मां, कोई पुष्पा जी को बताओ कि संतु वापस आ गई है। हमारी संतु वापस आ गई, उनके चाय के पैसे देने वाली वापस आ गई। अब वो जी भर के हमारा शिकायत कर सकती संतु से। हाँ संतु। ज़्यादा मूवमेंट मत करिए, आपको रेस्ट करना है अभी। आराम से सर, तू जी आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। मैडम सर, हाँ वो शाम ही है। हम जानते हैं संतोष शर्मा कि ये सब शाम ने किया है। ये कहानी शुरू हुई थी एक वर्दी वाली औरत से और अब इसका अंत भी एक वर्दी वाली औरत ही करेगी। चीता, शिवजी ये कब जीप से उतरा? अभी अभी। ये जिस तरह से दौड़ रहा है, लगता है ये बाल कटु सनकी को पकड़ के रहेगा। आज पहली बार इसके अंदर का चीता जाग गया है।
की पुष्पा जी। हेलो, चित्यार कैसे पुलिस में भर्ती हो गए? गाड़ी में बैठो, जीप छोड़कर दौड़ते हुए उसको पकड़ना है। चलो, क्या करना चाह रहे थे? पुष्पा जी, जल्दी गाड़ी चलाइए, उसको पकड़ना है। हाँ हाँ, वही कर रहे हैं हम। करिश्मा सिंह। मैडम सर, घटिया इंसान तुम्हारा गुनेगार है ना, इसको जो सजा दे सकती हो आज इसको सजा दो। और याद रखना, जितना कड़क सजा तुम इस इंसान को दोगी ना, उतना हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगा। इसने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया ना, पहुंचाओ इस इंसान को पाताल में। तो संतु जी, उठी, उठो, उठी, उठो संतु, उठो, दिखा उसे वर्दी की ताकत, उठो, उठो संतोष, उठो, उठ बेटा पलपुल।
ये किस लिए? ये मेरा 48 मेगापिक्सल का कैमरा तोड़ने के लिए। ये है हमारी संतु। ये कमबैक वाला मासूमियत भी लौटे हैं। हाँ भाई, अब आप खुद बताएंगे कि आपने ये सब क्यों किया या आपको करिश्मा सिंह के हवाले करें? ये वर्दी कोई भी हो, उसे उसे पहनने के बाद हर औरत पता नहीं खुद को क्या समझने लगती है, किसी पे भी दबाव बना सकती है, अपनी मर्जी से चल सकती है। यही तो किया था उस दिन उस औरत ने, उस महिला वकील ने, एक मामूली से एक्सटेंड के लिए उसने सरेआम सारे बाजार मुझे बेइज्जत कर दिया। पर आपने भी तो देखा था ना, आपने देखा था ना उस दिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर मुझ पर कैसे चिल्ला रही थी, शाम भीड़ हटाओ। साक्षी, वो भी तो यही करती ना। साक्षी मेरी बेटी, उसकी कंपनी में नौकरी लग रही थी और उसी कंपनी से उसे वर्दी मिलने वाली थी, और वर्दी पहन के क्या करती, यही सब करती ना, अपनी मर्जी से चलती, चाहे जहां भी वहां शादी कर लेती, पूरे समाज में मेरा इज्जत उछाल देती। इसीलिए मैंने वर्दी वाली औरतों के बाल काटने शुरू कर दिए, ताकि इस दहशत से वो डर जाए, वो वर्दी वाली नौकरी छोड़ दे और मेरा कहा माने, मैं जहां चाहूं वहां शादी करे। बस अपनी बेटी को डराने के लिए, उस वर्दी वाले नौकरी से बचाने के लिए सब मैंने किया। समस्या क्या है? सारी समस्या का जड़ ये वर्दी है। हम आओ टोपा इंसान, समस्या वर्दी का नहीं है, समस्या तुम्हारे दिमाग का है। आजकल की लड़कियां पता है कितना बड़ा बड़ा काम कर रही हैं? हाँ, और देश और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। और एक तुम जो लड़कियों को अभी भी सिर्फ चूल्हा चक्की के लायक समझते हो, ये जो कचरा जो है ना, वो तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है और कहीं नहीं है। सिर्फ शादी के लिए तुम अपनी बच्ची की वर्दी छीनना चाहते हो, उसे उसकी पहचान छीनना चाहते हो। बुरा तो हमें उस बच्ची के लिए लग रहा है जिसके बदकिस्मती से तुम बाप हो। तजुर्बा कहता है हमारा कि तालाब को समंदर से उलझना नहीं चाहिए, औरत की ताकत को तुझे ललकारना नहीं चाहिए। मेरे कद से तेरा कद बना है, तू मेरा वजूद क्या हिलाएगा, अब वक्त ही तुझे तेरी औकात दिखाएगा। ले जाओ इसे। ए चिते नहीं, बिल्लू निवास में नहीं ये बाल काटेगा। काटने के लिए तुम्हारे खोपड़ी पर बाल भी तो होना चाहिए, तो पूरा सफा चट है। बुलबुल से हम रोज सुना करते थे कि आप लोगों के पास एक जादू की छड़ी है। मेरी बच्ची बुलबुल हमेशा ये कहती थी कि मैडम सर के पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही हर मुश्किल काम मिनटों में हल हो जाता है। हमने इसकी बात पर कभी यकीन नहीं किया, लेकिन अब हमें यकीन हो गया है, और हमने वो जादू की छड़ी खुद अपनी आंखों से देख भी ली है। साथ में देखा है आप लोगों का एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम, मर मिटने का जज्बा, और कितनी भी बड़ी मुश्किल हो सामने चट्टान बन के खड़े रहने का हौसला। हमें खुशी है, अजी खुशी छोड़िए, हमें तो बहुत गर्व है कि हमारी पुलपुल एक ऐसे परिवार में है जो उसे हमसे भी ज्यादा प्यार करता है। और रही बात, पता है नाम है, बोल रहे नाम बेटा, रही बात तुम्हारी शादी की, तो मैं एक मिनट, हमें अब मुझे चिता चतुर्वेदी से कोई चतुर्वेदी पता है हमें, कह रहे ना हम। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी शादी के लिए चिता चतुर्वेदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहती थी ना शादी करना, तो हमें मंजूर। प्रणाम बेटा। कांग्रेस। बेटा, हम जल्दी तुम्हारे घर वालों से मिलेंगे रिश्ते की बात करने के लिए। प्रणाम बाबूजी। पापा एक सेकेंड। संत जी, वो आपको कुछ बोलना है पापा। हाँ, बोलिए बोलिए संत जी।
मुझे शादी नहीं करनी पापा। क्या? इसका मतलब तू इससे शादी करना नहीं चाहती? नहीं पापा, चीता बस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। चीते बोल ना। बेस्ट फ्रेंड है। जी बाबूजी, हम वेस्ट बेस्ट फ्रेंड हैं हम। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। पिताजी अगर गलती से भी पुलपुल की शादी इससे हो जाती तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखा दे? वैसे भी मुंह कुछ खास नहीं है दुनिया को दिखाने लायक। क्या? इसका देखिए, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही समाज और देश के लिए हमेशा ऐसे ही करते रहे। अरे बेटा पुलपुल, तुझे जब तक ये नौकरी करनी है ना कर, इसी तरह बेटा अपने परिवार का और अपने पिता का सर हमेशा ऊंचा रखना, खुश रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चल बेटा अब हम चलते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। इग्नोर किया। पुष्पा जी, जी मैडम, जरा सबकी कैब्स लेकर आइए प्लीज। जी मैडम सर। इस केस की हीरो हमारी साइबर एक्सपर्ट संतोष शर्मा और हमारी प्यारी संतु के लिए, इतना तो बनता है। पोज करो यार। चलो मेरी 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 वन। चलो चलो चलो, लेट्स मेक अ व्लॉग। कम 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 कम। हाय गाइस, ये मैं और हम आए हैं आज लखनऊ की सड़कों पे आपको लखनऊ की सैर कराने। और हम पहुंचे हैं अभी लखनऊ की सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट सेल्फी पॉइंट पे। सो इट्स सेल्फी टाइम। क्या चल रहा है यहाँ? टाइम देखा है? ये कोई वक्त है यहाँ घूमने का? जी हम निकलने ही वाले हैं। सर फोन नंबर बताओ अपने पापा का। लेकिन हम पापा को बता के आए हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम झूठ बोल के तो नहीं आए। पापा को बता के आए तो अच्छी बात है, माँ बाप है, जिम्मेदारी है उनकी। जी एक बार हम भी कंफर्म कर लें, हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। नहीं नंबर जी 9895589। इन लोग का सब नाम पता मोहल्ला सब कुछ नोट करो जरा। हाँ जी, रतन सिंह PI लाल बहादुर थाने से। जी पतिदेव, बस निकल ही रहे हैं, ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा ना तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ पुष्पा जी, पैदल आएंगी ना आप तो थोड़ा संभाल के आइएगा कि कुत्ता बहुत है, वो काट वाट लेंगे आपको। ठीक है। एक मिनट, हम पैदल क्यों आएंगे ना? जब पता है निकलने का टाइम हो गया पुष्पा जी तो रेडी रहती ना आप। हाँ हाँ बस समेट रहे ना, सब समेट। चल का हुआ पुष्पा जी, आपका आंख ऐसे पुलिस जीप की तरह काटम टमा रहा है। आप फड़क रही है ना, आपके कभी फड़कती नहीं। नहीं फड़कता है, हमारा भी फड़कता है, पर इतना ओवर टाइम नहीं करता है।
अब निकलने का टाइम हो गया तो आपका आंख फड़फड़ाने लग गया। हाँ शायद इसीलिए फड़क रहे ना, क्योंकि आप तो हवा की रफ्तार से बाइक चलाती है, पता नहीं हमारी हालत क्या होगी। भूलिए मत अभी हम आपके सीनियर हैं। आप भूलिए मत अभी ड्यूटी खत्म हो गई है, अभी हम आपके सीनियर है, हम आपकी सास है। आंखों का रोशनी दिखवा लीजिए, 5 मिनट बचा है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। रखो ना हाथ में पकड़ के, क्यों खड़ी हो? वो क्या है, अब आग है, वो बता के थोड़ी ना फड़केगी कि हम अभी फड़केंगे, हम तभी फड़केंगे, नहीं ना। वैसे भी हमारे तो भागी फूट के, जब से हमारा लल्ला आपको ब्याह के घर लेके आया ना, हमारी बाई आंख फड़क रही है ना। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ना अपनी बहू को ताना मारने का, हर जगह ताना मारती रहती है। अब जल्दी कीजिए, आपके नसीब की तरह टूट फूट जाएंगी आप रास्ते में, समझ रही हैं? और देखिए पुष्पा जी ऐसा धुआंदार बाइक चलाएंगे ना, जितना भी कचरा फंसा ना आपकी आंख में से धड़कके से बाहर आएगा। चलिए शिव जी बचाइए हमें, चलिए 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 हम अपना हेलमेट लेकर आते हैं। हेलो महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? I love you. क्या? कौन बोल रहा है? फोन के इस कौन पे कौन ना मर जाए जालिम, पूछते हैं कौन जान लेने के बाद। क्या बके जा रहे हो तुम? I love you, पुष्पी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देख लेंगे हम तुमको। देख तो मैं रहा हूँ तुमको, हर वक्त हर जगह, इस वक्त भी देख रहा हूँ। कहाँ? अरे हमें कैसे दिखाई नहीं दे रहे हो फिर? I love you, पुष्पी। बंद रखो फोन, रख। पुष्पा जी, हाँ, किसका फोन था? था किसी मनचले आशिक का फोन, परेशान कर रहा था हमें। आपको तो पता ही है ना, हम जैसी जवान जहान हसीन तरीन लड़की का इस दुनिया में ऐसे जीना कितना मुश्किल है। चलिए। जी सर, हाँ सर, हाँ सर, एड्रेस है हमारे पास, हम बस पहुँच ही रहे। जय हिंद। जय हिंद मैडम। सर जय हिंद। गोमती नगर सेल्फी पॉइंट, बहुत अर्जेंट है, जाना होगा। चलिए